इस न्यूज के प्रायोजक है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष के छात्र प्रथम व्यास के साथ सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग का मामला अब फूल पकड़ता जा रहा है। उक्त मामले में अब विप्र फाउंडेशन जोन 1 द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी छात्रों एवं महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष के छात्र प्रथम व्यास को करीब 7-8 स्टूडेंट ने महाविद्यालय के पास में पहाड़ी पर ले जाकर अमानवीय ढंग से रैगिंग ली। इस दौरान प्रथम व्यास से लगभग 350 उठक बैठक लगवाई। रैगिंग में मिली इन यातनाओं के बाद छात्र इतना सहम गया कि अपने परिजनों तक तो नहीं बताया, किंतु इस घटना से छात्र के किडनी, लीवर सहित कई अंदरूनी ऑर्गन्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बैक्टीरिया फैल गया। चोटें इतनी गंभीर थी कि अस्पताल में डॉक्टर ने स्वयं पीड़ित छात्र से पूछताछ करके इस घटना का सच उगलवाया। फिलहाल संपूर्ण समाज में काफ़ी रोष है और ब्राह्मण समाज के अग्रणी संगठन विप्र फाउंडेशन ने जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर पर काफ़ी रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं KK शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव विप्र फाउंडेशन, और मेरे साथ हैं हमारे विप्र फाउंडेशन जोन फर्स्ट के अध्यक्ष आदरणीय नंदन जी पालीवार, हम सभी पदाधिकारीगण। आज हम माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहते हैं। मुद्दा हमारा यह है, डूंगरपुर के अंदर हमारा एक बालक प्रथम वर्ष का, प्रथम व्यास नाम का बालक जो फर्स्ट ईयर के अंदर था, सीनियर सेकेंड ईयर के जो सीनियर स्टूडेंट थे उन्होंने उसको गर्मी के अंदर ले जा करके बाहर पहाड़ी के ऊपर बुलाया उसको, और बुलाने के बाद में उसको पहाड़ी पे खड़ा रखा, 350 करीब उससे उठक बैठक लगवाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस शिक्षा के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चे आज लोगों की जान बचाने की बात करते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, और वही बच्चे उनको मालूम नहीं आज इस बच्चे को इस ढंग से पड़ताल न करने से इसका जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको सब कुछ जानते हुए उन्होंने एक जिस ढंग से पड़ताल न की है। हम सभी विप्र समाज के लोग इसकी कड़ी से कड़ी इसकी भर्त्सना करते हैं, और हम मांग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका सबक मिले और भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के बारे में सोचे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन।